हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी जो है सुबह सुबह मैं अपने बच्चों के लिए जूस बना रही हूँ, और ये मौसम्बी का जूस है। तो इस मौसम में बहुत ही अच्छा होता है मौसम्बी का जूस पीना। तो देखिए, अभी मैं फटाफट से अपने बच्चों के लिए मौसम्बी का जूस बना रही हूँ, फिर आज नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ते में आज बहुत ही एक यूनिक सा और बहुत ही हेल्दी सा एक और रेसिपी लेके, तो चलिए अभी देखते रहिए मेरे साथ। और आप सबका वेलकम है बिथिका ब्लॉग्स में, और आप देख रहे हैं अभी बिथिका ब्लॉग्स। तो देखिए, अभी इसको बनाने के लिए बेबी कॉर्न जो होता है, बेबी कॉर्न, उसको कद्दूकस कर लिया है, गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और ये अदरक और लहसुन बारीक कटी हुई, वो प्याज जो है ये बारीक कटी हुई, मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये आलू इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। और यहाँ पे ये मैदा और आटा का डो मैंने पहले से बना के रखा है। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता ले लिया है, ये देखिए। तो अभी इसको जो है सब एक साथ फ्राई कर लेंगे, फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल दे दिया। अब जो है इसमें जीरा दूंगी, जो साबुत जीरा है सबसे पहले ये दे दूंगी अभी। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें जो कटी हुई अदरक और लहसुन था अभी वो दे दूंगी, और अच्छा से इसको गोल्डन फ्राई कर लूंगी। देखिए, मैंने अभी लहसुन और अदरक कटी हुई जो मैंने काट के रखा था छोटी छोटी करके, बारीक कटी हुई, ये दे के फिर इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब देखिए फ्राई हो गया है। इसमें बारीक कटी हुई प्याज अभी दे दूंगी, और उसको भी अभी अच्छा से इसको फ्राई कर लेंगे एक साथ। और अब इसमें जो भी कटी हुई सब्जी मैंने काट के रखा था
वो सब एक एक करके इसमें दे देंगे और फिर इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद जीरा पाउडर और उसके बाद थोड़ी सी मिर्च पाउडर एक एक करके डाल देंगे। और फिर कुछ देर इसको ढक देंगे, जैसे 10 मिनट ढक के इसको फिर पकाएंगे हम। और जब ये अच्छा से फ्राई हो जाए सारे सब्जियाँ, और उसमें मैं फिर बॉयल किया हुआ आलू मिक्स कर देंगे। फिर इसमें जो है, देखिए अभी जो बॉयल किया हुआ आलू मैंने अलग करके रखा था, ये अभी मिक्स करके फिर इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और ये अभी बन के तैयार, ये देखिए बन के तैयार। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन बैठा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के, अब जो मैंने यहाँ पे, ये आप बोल सकते हैं कि वेजिटेबल मुगलाई, हाँ इसको मैंने नाम दिया है वेजिटेबल मुगलाई, और ये वेज मुगलाई है। तो अब देखिए इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म फिर अपने बच्चे को दे दीजिए, अपने बच्चों को। और एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।
और मैं वेट करती हूँ दोस्तों, आप जैसे मुझे कमेंट करते हो, आपका कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। तो चलिए अभी मैं ये ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप बने रहिए बिथिका ब्लॉग्स के साथ।